नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सबके साथ। अवैध निर्माण पर डीटीपी की लगातार जारी है कार्रवाई, ध्वस्त किए गए अवैध मकान और दुकान, अवैध निर्माण करने वालों की शामत आई। आज गुरुग्राम डीटीपी ने अपनी टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। ये कार्रवाई सोना गुरुग्राम नेशनल हाईवे पर की गई, जब कुछ लोगों ने दुकानें बनाई हुई थी और चार दीवारी भी की हुई थी। लगभग 6 एकड़ में कार्रवाई की गई, जब डीटीपी की टीम के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा और 3 JCP द्वारा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान विरोध भी जमकर हुआ। आइए आपको अवैध निर्माण पर चल रही ये कार्रवाई दिखाते हैं।
कार्रवाई करते हुए डीटीपी महेंद्रवाड़ा गांव पहुंचे, जहां तेजी से चल रहे रोड नेटवर्क का काम और अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त किया गया। 4 एकड़ में कार्रवाई करते हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। खेत की जमीनों पर यह अवैध निर्माण जारी था, जिसके बाद आज कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया गया। वहीं डीटीपी आरएस भाट, एटीपी आशीष शर्मा और जेई अंकुर इस कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। आइए आपको डीटीपी आरएस भाट की ये बात सुनाते हैं। बॉन्सी में लगभग 3-4 एकड़ में लोगों ने पार्टीशन करके अपनी एक कॉलोनी के शेप में बनाने की कोशिश किया, जिसको हमने आज तोड़ा है। कुछ दुकानें बना रहे थे, कुछ अपने रूम्स बना रहे थे, जिसको कि हमने आज डिमोलिश किया। ये एक कॉलोनी है सोना रोड के ऊपर, कॉलोनी आज और हमारी आपसे अपील है कि इल्लीगल कॉलोनी काट रहे लोगों के झांसे में ना आए और अपना पैसा सोच समझ के ही लगाएं। और ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।